हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ बर्गलर अलार्म सर्किट यूजिंग ICLM 358 ऑन ब्रेडबोर्ड। अब इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल की हमें आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं ICLM 358, बजर, LDR और ये हमारा बैटरी कैप विद कनेक्टिंग वायर, रजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर, ट्रांजिस्टर BC547, बैटरी 9 वोल्ट, कनेक्टिंग वायर्स और ये ब्रेडबोर्ड। तो आइए ये सारा जितने जो भी मटेरियल्स हम है यहाँ पे, इसे यूज करके सर्किट हम बनाएंगे। और सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम में सबसे मेन जो आईसी है वो है हमारा LM358। इसका पिन नंबर 4 जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, पिन नंबर 8 सप्लाई से पॉजिटिव टर्मिनल से, पिन नंबर 1 आउटपुट के लिए है, जैसे 470 ओम रजिस्टर यूज करके एक ट्रांजिस्टर BC547 ट्रांजिस्टर एज स्विच यूज किया गया है। इसका एमिटर ग्राउंडेड है और कलेक्टर पर जो है वो बजर अटैच है। और पिन नंबर 2 आईसी का देखेंगे, इस पर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो सप्लाई से कनेक्टेड है, और एक LDR पिन नंबर 2 और ग्राउंड के बीच कनेक्टेड है। पिन नंबर 3 पर जो है एक पोटेंशियोमीटर 1 MΩ का लगा हुआ है, जिसका सेंट्रल टर्मिनल पिन नंबर 3 से और जो आउटर फिक्स टर्मिनल्स होते हैं पोटेंशियोमीटर के, वो एक तो सप्लाई से कनेक्टेड है और दूसरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आइए अब ब्रेडबोर्ड पर इस सर्किट को हम बनाएं। तो सपोज ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड पे आप हम सबसे पहले आईसी को कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ आप देखें, ये हम आईसी को हमने कनेक्ट कर लिया। अब आईसी का जो लेफ़्ट साइड नॉच जो है वो जो कट पार्ट है उसे हम लेफ्ट साइड में हमने रखा है। और यहाँ देखेंगे पिन नंबर 1, 2, 3, 4, पिन नंबर 5 है, 6, 7 और 8, तो 8 पिन की आईसी है। पिन नंबर 4 और ग्राउंड, पिन नंबर 4 को हमें ग्राउंड करना है। तो ये हमने नीचे ब्रेडबोर्ड के जो नीचे स्लिप पिन से हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ये वाला जो पिन है ये आपस में ये कनेक्टेड हैं, इनको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ब्रेडबोर्ड का जो ये ऊपर वाला वाले जो पिन हैं इन्हें हम ये आपस में कनेक्टेड हैं और इसे हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो पिन नंबर आईसी का जो 8 है इसे हम ऊपर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर देते हैं। अब ट्रांजिस्टर को लगा लें हम। ट्रांजिस्टर का जो फ्लैट पार्ट है इस पे नंबर ट्रांजिस्टर का लिखा होता है, इसे आप अपनी तरफ रखें और जो टर्मिनल्स हैं इसे ऊपर की तरफ रखते हुए, जो सबसे लेफ्ट में जो टर्मिनल है वो एमिटर है, बीच वाला बेस है और ये कलेक्टर है। ये इस ट्रांजिस्टर BC547 के लिए है। अदर ट्रांजिस्टर आप अगर यूज करेंगे तो डाटा शीट में आप देख सकते हैं कि उसके पिंस एमिटर, बेस और कलेक्टर कौन से हैं। अब ट्रांजिस्टर को ब्रेडबोर्ड पर ऐसे लगाएं कि हमारा जो एमिटर है वो नीचे की तरफ और कलेक्टर राइट साइड की तरफ और बेस लेफ्ट की तरफ आ जाए। एमिटर को हम ग्राउंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट रिक्वायरमेंट, ये हमने ग्राउंड कर दिया। और बेस के लिए पिन नंबर आईसी का जो पिन नंबर 1 है वो हमारा आउटपुट है, तो पिन नंबर 1 को हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ लेके आ गए। और तो पिन नंबर
वन का जो एक्सटेंडेड पार्ट है और आईसी ट्रांजिस्टर के बेस, इन दोनों के बीच एक हम ट्रांजिस्टर 470 ओम का ट्रांजिस्टर कनेक्ट सॉरी रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। और रजिस्टर का जो कलर कोड है वो है येलो वायलेट और ब्राउन। ये हमने रजिस्टर लगा दिया। और सब बजर लगाने के लिए हम सप्लाई से एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर लें और इस तरफ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के नज़दीक ये लगभग 1 2 3 यहाँ पे हम कनेक्ट कर लें। और इसके बीच ये जो बजर है, बजर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमने जो एक्सटेंड किया है इस पे पॉजिटिव टर्मिनल को, थोड़ा सा राइट में लगा लें जिससे कि प्रॉपर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो सके। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कलेक्टर पे है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बजर का पॉजिटिव टर्मिनल वो सप्लाई से इस कनेक्टिंग वायर के माध्यम से और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हमने कलेक्टर पे कनेक्ट कर लिया है। तो हमारा सर्किट का जो आउटपुट पार्ट है वो कंप्लीट है। अब हम पिन नंबर 2 पर एक LDR जो है लाइट, ये आप देखें LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको कनेक्ट कर लेते हैं टू और ग्राउंड के बीच। तो हमने LDR कनेक्ट कर लिया। अब पिन नंबर 2 को एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से एक्सटेंड कर लेते हैं जिससे कि हम 10 किलो ओम का रजिस्टर यूज कर सकें सप्लाई और पिन नंबर 2 के बीच। तो ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है जिसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक और ऑरेंज। इसे हम सप्लाई और पिन नंबर 2 के बीच कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्ट कर लिया। अब पिन नंबर 3 पे हमें पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है। पोटेंशियोमीटर के आप देखेंगे 3 टर्मिनल्स हैं, ये आउटर जो है वो फिक्स टर्मिनल के लिए और सेंट्रल जो है वो एज ए वेरिएबल। सेंट्रल टर्मिनल को हमें पिन नंबर 3 से कनेक्ट करना है। तो ये हमने पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर लिया और एक आउटर टर्मिनल को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा सर्किट और पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैटरी से कनेक्ट करना है इसे। तो आइए इसमें बैटरी हम कनेक्ट करें। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे नीचे कनेक्ट कर दें और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये ऊपर। अब हम एक टॉर्च लेके आए और इस LDR पर रोशनी करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा बजर बज रहा है दोबारा, फिर देखिए। तो इस तरीके से अगर हम इस सर्किट को ऐसे अंधेरे कमरे में जहाँ पे हमारा अगर अलमीरा है या तिजोरी है उसके पास अगर इसे हम इंस्टॉल कर दें और यदि चोर आता है और रात में जैसे ही वो लाइट जलाएगा तिजोरी को तोड़ने के लिए या फिर अलमीरे को तोड़ने के लिए, तो आपका जो है तो ये जो बजर है सर्किट का ये बजना स्टार्ट हो जाएगा और इससे हमें पता लग जाएगा कि कोई हमारे घर इंट्रूडर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस सर्किट का जो यूज़ है वो एज ए बर्गलर अलार्म सर्किट यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।